हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ, वो भी महिंद्रा ईवी गाड़ी का, वो भी महिंद्रा जो ट्रियो ईआरई है, ट्रियो जोर है। तो ट्रियो ईआरई का बैटरी जो होता है एक एक सेल, उसको चेंज कर रहा हूँ। इस गाड़ी का बैटरी मतलब सेल चेंज होगा, बैटरी मतलब एक एक करके सेल होता है तो उसको चेंज होगा। इस गाड़ी में 6 सेल चेंज होगा, मतलब इस गाड़ी का माइलेज बहुत कम हो गया और बैटरी भी ख़राब है, ठीक है, वो एनालाइज करके पता हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर जानना चाहते हो कि कैसे एनालाइज करते हैं व्हीकल को, मतलब गाड़ी को कैसे एनालाइज करते हैं, तो मेरा कमेंट बॉक्स में जाना है, मैं बताइए, मैं उसका वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है, बहुत जल्दी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका 6 सेल हम लोग एनालाइज करके पता है कि कौन कौन सा ख़राब है, तो उसको अभी हम चेंज कर दे रहे हैं। और इसको दिखा रहे, देखिए ये जो बैटरी का हाल देखिए, पूरा फूल गया है, ठीक है। देखिए आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कैसे इसको चेक करते हैं कि ये फूल गया है, वो भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो वो आप लोग देखिए, जब नीचे में प्लेन सरफेस पे रख रहा हूँ, देखिए कितना गैप हुआ है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से बैठ नहीं रहा है, मतलब इसका बैटरी फूल गया है, ठीक है। ये देखिए कैसे हिल रहा है, देखिए और कितना गैप है। अभी जब न्यू बैटरी आप लोगों को दिखाऊँगा, देखिए एक न्यू बैटरी, वो देखिए कोई कभी हिलेगा नहीं और अच्छे से बैठ जाएगा सरफेस में, देखिए ये देखिए कोई गैप नहीं है, अच्छे से बैठ जा रहा है, मतलब ऐसा होता है न्यू बैटरी। और ओल्ड जो बैटरी है वो पूरा फूल गया है, तो अभी चेंज होगा, देखिए ओल्ड बैटरी देखिए कितना फूल गया है, देखिए ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 6 सेल चेंज होगा, ठीक है, 6 सेल चेंज होगा, उसके बाद इसको फ्लोर चार्ज करूँगा। सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊँगा कैसे क्या प्रोसेस होता है बैटरी चेंज करने के बाद में, क्या फिर सिर्फ बैटरी चेंज कर देंगे और इसको चार्ज पे लगा देंगे गाड़ी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा। बैटरी चेंज करने के बाद फ्लोर चेंज करना पड़ता है, बहुत काम होता है इसमें, फिर भी एनालाइज करना पड़ता है कितना एम्पियर निकला है, वो भी देखना पड़ता है, फुल डिस्चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया हो, एक एक पार्ट में मैं बता दूँगा, ठीक है, इसको देखते रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो देखिए एक एक बैटरी को हम इसको जोड़ रहे हैं, देखिए इसमें 16 बैटरी होता है, ये ट्रियो ईआरई गाड़ी है, 72 एम्पेयर का गाड़ी है, और अगर ट्रियो जोर गाड़ी होता तो 32 सेल रहता, ठीक है, वो 144 एम्पेयर का गाड़ी है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर देखिए ये जो ब्राउन कलर का है वो नेगेटिव है, और ये जो वाइट कलर का है ये पॉजिटिव पोल है, ठीक है। तो इसमें देखिए सभी बैटरी फूल गया है, मतलब ये जो गाड़ी है 3 ईयर का हो गया है, और ये जो कम मतलब इसका कस्टमर है 90,000 चला लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, सब बैटरी हम लोग फिटिंग कर लिया हो, ठीक है, अभी इसको फ्लोर चार्ज में लगाऊंगा, देखिए कैसे इसको बीप होगा, देखिए बीप हो रहा है, देखिए और पूरा कुछ सब बैटरी का कितना कितना जो वोल्टेज होता है वो भी दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए कितना वोल्टेज है, देखिए इसका 3.37, इसका कटआउट वोल्टेज है 3.66, जब 3.66 वोल्टेज आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा चार्ज, और चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको अभी हम चार्ज कर रहे हैं फ्लोर चार्ज, इसके बाद हम देखेंगे एनालाइज करके, एनालाइज करने के बाद इसको डिस्चार्ज करना पड़ता है, डिस्चार्ज करने के बाद ओवरनाइट चार्ज देकर गाड़ी को देखना पड़ता है कितना एम्पियर लिया है, उसके बाद गाड़ी को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी सिर्फ आप लोगों को बैटरी चेंज करना दिखा रहा हूँ और फ्लोर चार्ज करना, ठीक है, ऑलरेडी मैं फ्लोर चार्ज का वीडियो में दिया हूँ, अभी मैं बैटरी चेंज करने का वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको गाड़ी में लगा के फिटिंग करना दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें एक एक सेल का बैटरी का जो तार होता है उसको लगाना पड़ता है, तभी इसका बैटरी वोल्टेज मतलब लैपटॉप में शो करता है, देखिए इसका कैसे तार लगाना है ये मैं बता दे रहा हूँ, देखिए देखिए नेगेटिव पोल से एक नंबर सेल पकड़ना पड़ता है, मतलब नेगेटिव सेल से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पकड़ना पड़ता है। देखिए नेगेटिव सेल में देखिए एक सेल 1 माइनस और सेल 1 प्लस ऐसा लगेगा, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरे में सिर्फ प्लस में लगेगा, दूसरा ये देखिए ये एक नंबर हो गया, उसके बाद देखिए दो नंबर सेल देखिए सेल 2 प्लस लिखा हुआ होगा, देखिए सेल 2 प्लस,
अभी सब बैटरी में प्लस लिखा होगा और सिर्फ 2-3 ऐसे करके सिर्फ प्लस में लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये जो तार, तभी लैपटॉप में शो करेगा मतलब एक एक बैटरी का कितना वोल्टेज है। और ये जो देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें भी देखिए सब प्लस में लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए सिर्फ प्लस में इसको लगाना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर तीनों तार है, आप लोग सोचेंगे कि इसमें एक तार है और इसमें तीनों तार क्यों होता है, तो फिर मैं बता देता हूँ, तीनों तार होता है इसलिए कि इसका टेम्परेचर होता है, चार बैटरी लेकर एक टेम्परेचर सेंसर और लगा हुआ रहता है, इसलिए इसका ग्रीन और रेड को दिया है बैटरी का सिग्नल और ग्रीन को दिया है टेम्परेचर सिग्नल और नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा दिया होता है, ये टेम्परेचर सेंसर होता है बैटरी का टेम्परेचर, माने मतलब इसमें 16 को बैटरी है तो 4 को टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होगा, एक टेम्परेचर सेंसर 4 को बैटरी का टेम्परेचर बताएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करके इसमें लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए सब कुछ मैं फिटिंग कर दिया हूँ, देखिए इसमें सब कुछ हम लोग फिटिंग कर दिया हूँ, देखिए पूरा ये देखिए 1.0 का BMS है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर होगा तो 1.0 होगा, मतलब ओल्ड मॉडल का, अभी 2.0 होता तो उसमें ब्लू कलर का BMS लगा हुआ है। देखिए इसका बोलते हैं प्री चार्जर रिले, एक अगर ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी चार्ज नहीं लेगा, ठीक है, अगर गाड़ी चार्ज नहीं लेता है तो इसको चेक करना पड़ता है। अगर इसका चेकिंग का वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता दूंगा, इसका वीडियो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी इसका पूरा चार्ज कर लिया हूँ, इसको अभी डिस्चार्ज भी करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्चार्ज करके देखना पड़ेगा कितना एम्पियर इससे डिस्चार्ज हुआ है, मतलब पूरा 16 को बैटरी से कितना एम्पियर हम पाया हूँ डिस्चार्ज करके, और उसके बाद चार्ज करके भी देखना पड़ेगा, देखिए डिस्चार्ज मशीन, उसके बाद चार्ज करके भी देखना पड़ेगा कि कितना चार्ज करके हाँ ये एम्पियर लिया है, अभी ये दे रहा है मतलब एम्पियर इससे ले रहा हूँ डिस्चार्ज करके, अभी इसको चार्ज करके दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसको ये जो 72 एम्पियर है इसलिए इसको 32 एम्पियर पे डिस्चार्ज पे लगाना पड़ेगा और 48 वोल्ट में, ठीक है, तो ऐसे करके इसका डिस्चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे करके इसका काम होता है, तो अगर आप लोग एनालाइज का वीडियो चाहते हो तो ज़रूर बताना। और तो फ्रेंड्स देखिए पूरा डिस्चार्ज करके इसको चार्ज करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी तो इसको पूरा लगा दिया और प्लस माइनस में आउटपुट सेक्शन में लगाना पड़ता है, और देखिए पूरा छः गो सेल है, आप चाहे तो गिन ले सकते हैं, देखिए 4 गो और देखिए नीचे 2 गो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है।